मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेष लगन एवं मेष राशि वाले जातकों को कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए, आपका भाग्य रत्न कौन सा है, एजुकेशन के लिए आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। मेष लगन वाले जातकों को कौन कौन से रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, करियर के लिए, धन प्राप्ति के लिए, उच्च पद की प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कौन सा मंत्र आपकी सहायता करेगा, और मेष लगन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं। मेष लगन में तीन ग्रह कारक हैं, लगन के स्वामी मंगल, पंचम भाव के स्वामी सूर्य और नौवें घर के स्वामी बृहस्पति। साथियों आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूंगा रत्न पहनना चाहिए। पांचवें घर के स्वामी सूर्य हैं, आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, मंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए माणिक रत्न पहनना चाहिए। पांचवा घर यंत्र मंत्र तंत्र विद्या बुद्धि मित्र और पुत्र व्यक्तिगत जीवन का होता है। व्यक्तिगत जीवन में यदि आपके समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो भी आपको माणिक पहनना चाहिए। व्यापार में असाधारण तरीके से सफलता प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए आपको पुखराज रत्न पहनना चाहिए। देखिए साथियों, हमारे शरीर में कितनी भी मजबूती हो लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपाहिज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, सभी के सभी ग्रह मजबूत होने पर यदि 9th हाउस नौवां घर कमजोर पड़ जाए तो व्यक्ति का भाग्य कमजोर पड़ जाता है। तो मेष लगन में नौवें घर के स्वामी होते हैं बृहस्पति, तो आपका भाग्य रत्न पुखराज है। तो तीन रत्न मैंने आपको बताए, अलग अलग कारणों से अलग अलग रत्न पहना जा सकता है। एजुकेशन के लिए माणिक, स्वास्थ्य के लिए मूंगा, भाग्य के लिए पुखराज, व्यापार के लिए पुखराज, नौकरी के लिए पुखराज। साथियों मेष लगन वाले जातकों को ओपल जिरकोन या शुक्र ग्रह का कोई भी रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र प्रबल और प्रबलतम मार्केश हो जाते हैं, सेकंड एंड सेवेंथ। दूसरे और सातवें घर के स्वामी होने से शुक्र आपके महामारक बन जाते हैं। आपको पन्ना रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे घर के स्वामी होते हैं, यह भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। साथियों आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके भाग्य के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति के अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान नारायण, और भगवान नारायण का मंत्र आपको सभी समस्याओं से बाहर ला सकता है। तो यह थी मेष लगन से जुड़ी हुई बहुत काम की बातें, बहुत थोड़े में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी, तब तक के लिए नमस्कार।